न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। आज दीपोत्सव से पहले शोभा यात्रा और ये तस्वीरें देखिए अयोध्या से निकलकर सामने आई है और आज भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। भव्य दीपोत्सव के लिए सरयू घाट भी सज धज कर तैयार है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, सभी को आज दीपोत्सव का इंतजार है, तैयारियां पूरी, क्या कुछ तस्वीरें, कैसा उत्साह? बिल्कुल, देखिए शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको तस्वीर दिखा दूं कि शोभा यात्रा इस वक्त साकेत महाविद्यालय से रवाना हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त अयोध्या में जोरदार बारिश भी शुरू हो गई है, तो थोड़ी सी परेशानी जो कलाकार है, जो शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं, उनको हो रही है, क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है और अचानक से बारिश शुरू हुई है। लेकिन देखिए, चूंकि इस बारिश का इन कलाकारों पर और लोगों के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भारी बारिश के बीच भी जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दीपोत्सव को लेकर जो एक उत्साह, चाहे आम लोगों की बात करें, इन कलाकारों की बात करें या फिर दूसरे लोगों की बात करें, जो दिखाई दे रहा है वो अद्भुत है। क्योंकि देखिए, जहां तक सवाल इस शोभा यात्रा का है, तो चूंकि ये शोभा यात्रा यहां से शुरू होकर रामकथा पार्क तक जाती है, तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है, और जब रामकथा पार्क की शोभा यात्रा पहुंचती है तो वहां पर खुद मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। जो तमाम मेहमान होते हैं वो इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, इन कलाकारों का स्वागत करते हैं, और उसके बाद दीपोत्सव का जो दूसरा चरण है, यानी कि जो भगवान राम का राज्याभिषेक है, उसकी शुरुआत होती है। ये देखिए, इन झांकियों को देखिए, दरअसल इन झांकियों के माध्यम से जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं उन प्रसंगों को दिखाया जाता है, और चूंकि जैसे आप सामने की झांकी देख सकते हैं कि कृष्ण किंडा जो कांड है उसमें क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से जो बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही गुरुकुल शिक्षा, जब भगवान राम बाल स्वरूप में थे और वो शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने भाइयों के साथ गुरुकुल गए थे, राम सीता विवाह, शबरी राम मिलाप, तो ये तमाम वो प्रसंग है रामायण से जुड़े हुए, जिन प्रसंगों को यहाँ पर इन झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। और देखिए, इन सभी झांकियों पर चुकी जो कलाकार हैं वो कलाकार भी सवार होते हैं, और ये झांकियां जहां जहां से भी गुजरती है, जो अयोध्या के लोग हैं, अलग अलग चूंकि पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पर लोग इन झांकियों पर, इन कलाकारों पर फूल बरसाते हैं। हालांकि देखिए, इस बार कई राज्यों के कलाकार इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जैसे अगर बात करें दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इन तमाम राज्यों से जो कलाकार हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो बहुत ही अद्भुत तस्वीर होती है, काफी भव्य ये झांकी होती है। और देखिए, चूंकि दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव लगातार एक रोमांचक, कह सकते हैं कि अंदाज में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है, चूंकि आज भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, जब 21 लाख जो मिट्टी के दिए हैं वो राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, चूंकि दोपहर तकरीबन 12:30 बजे खुद सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद इस आयोजन की वहां रामकथा पार्क में शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि बारिश, चूंकि देखिए एक बार फिर से बारिश जो है काफी तेज हो गई है, तो बारिश ये कह सकते हैं कि दीपोत्सव का जो एक भव्य आयोजन है उसमें थोड़ी सी खलल डाल सकती है। हालांकि उम्मीद है कि बारिश थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, तो उसके बाद जो दूसरे कार्यक्रम है दीपोत्सव से जुड़े हुए वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि बारिश काफी तेज हो गई है और जो तमाम कलाकार हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो पहुंचे हैं वो बारिश की वजह से भींग चुके हैं, तो थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी बाधा यहाँ पर जरूर देखी जा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब बारिश रुक जाएगी तो जो दीपोत्सव के तमाम आयोजन हैं वो अपने अंदाज में आगे बढ़ते जाएंगे। जी, बाकी अविनाश ये तस्वीरें, और देखिए जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे, उत्साह कहीं से भी किसी का कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और दीपोत्सव से पहले जो शोभा यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरा तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से ये शोभा यात्रा में कौन कौन सी झांकियां हैं और किस तरह से लोगों में उत्साह है, क्योंकि तस्वीरें बेहद खास हो जाती है आज के दिन। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस शोभा यात्रा की बात करें तो इन झांकियों को मैं आपको दिखा दूं। देखिए सामने से एक झांकी आ रही है, आप झांकी नंबर 5 है, इसमें ठीक सामने अब हनुमान जी को देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जो बगल की झांकी है ये पुत्रष्टि यज्ञ से जुड़ी हुई झांकी है। पुत्रष्टि यज्ञ यानी कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था और उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो है। देखिए ये सुंदरकांड की झांकी है, बहुत ही विशेष झांकी मानी जाती है, क्योंकि सुंदरकांड में जो हनुमान जी की पूरी गाथा है वो दिखाई जाती है,
को, यानी कि बारिश हो रही है लेकिन इस बीच उत्साह कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा।